नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आज टॉपिक्स कुछ देखने वाले हैं आपके होम्योपैथी के लिए। अगर आप यूपी SSSC होम्योपैथ के एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल आपके जो आ रहे हैं कि टॉपिक्स क्या क्या इसमें रहने वाले हैं। सारे ही टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर देख रहे हैं, और उसके बाद आप ये यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। तो जो भी इस वीडियो को YouTube पर देखने वाला है तो मैं सभी को कहूंगा कि आप भी एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से जब आप जुड़ते हैं तो इसमें कोई भी आपको एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलती है और आपका जो फोकस है वो पूरा का पूरा हो पाता है। आज के सेशन में हम टॉपिक्स देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके होम्योपैथ के लिए। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स आपके होम्योपैथ के लिए, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जिन्होंने अभी तक भी यूपी SSSC होम्योपैथ के लिए बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको देखिए कंप्लीट आपको ये सारे सब्जेक्ट टेस्ट और अदर बेनिफिट्स आपको सब कुछ मिल जाएगा। व्हाट्सएप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज किस तरह से हम कवर करने वाले हैं आपके कोर्सेज में, ठीक है। तो टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम जब आपकी जो क्रैश कोर्सेज रहते हैं, ठीक है, इसमें जो हमारी जो क्लासेस रहेंगी, ठीक है, ये उन अभ्यर्थियों के लिए बता रहा हूँ जो पहली बार जुड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमारी टॉपिक वाइज क्लासेस भी शुरू होने जा रही है आज से, ठीक है, जिसमें हम फार्माकोपिया के जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सारे ही हम इसमें देखेंगे। और साथ में कुछ जो डेफिनेशंस रहती हैं उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 में देखिए हम क्या चीजें देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 में आपका इंस्ट्रूमेंट एंड जनरल लेबोरेटरी और उसके जो प्रोसीजर्स हो गए, ठीक है। अब उससे रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी को ये चीजें पता नहीं होती हैं कि जो अदर स्टेट में जो एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं, की फैक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं आपके, रिपीटेड कैटेगरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, प्रीवियस सॉल्यूशंस पेपर जो अदर स्टेट में होम्योपैथ में बना है वो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारी ही चीजें आपके इस एग्जाम में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, अभी फोकस करिए इन सब चीजों के ऊपर जो भी अभी मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए चैप्टर नंबर और साथ में देखिए जनरल लेबोरेटरी प्रोसीजर, इसको भी हम एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगी, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारे ही बेनिफिट्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में सोर्स ऑफ ड्रग हम देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपका चाहे वेजिटेबल सोर्स आपका हो गया, ठीक है, चाहे फिर आपका वो, एक सेकेंड, चैप्टर नंबर 3 में देखिए आपके वेजिटेबल सोर्सेज हो गया, इसको भी हम एमसीक्यूज के जरिए कवर करेंगे, साथ में थ्योरी आपको यहाँ पर मिलती है एमसीक्यूज के साथ, ठीक है। एनिमल सोर्स आपका हो गया, मिनरल किंगडम आपका हो गया, नासोडस, सार्कोडस, इम्पोर्टोफिलिया और सिंथेटिक सोर्सेज आपके हो गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एमसीक्यूज का कैटेगरी, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे आपके होम्योपैथ के लिए, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी एग्जाम को टैकल करने के लिए, ठीक है। और साथ में देखिए हम आपको कलेक्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, यहाँ से भी जो क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब ये मैं आपको क्या चीजें बता रहा हूँ, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स वाइज हमारे लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, आज से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें देखिए आपका फिर फाइटोकेमिस्ट्री एंड फैमिली वाइज वेजिटेबल सोर्सेज, ठीक है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हो गए होम्योपैथ के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। और क्या क्या हम कवर करने वाले हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे कुछ व्हीकल्स, ठीक है, यहाँ से जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी किताब उठा लो, ठीक है, आपको वो लेटेस्ट पैटर्न मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर लेटेस्ट पैटर्न मिलता है तो वो या तो फिर ऑथेंटिक नहीं होगा, ठीक है, या फिर वो ओल्ड वर्जन हो सकता है आपके लिए, ठीक है, जो कि फिर एग्जाम के लिए बेनिफिट नहीं रहता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में देखिए आपका मदर टिंचर हो गया और न्यू मेथड कुछ हो गया, ठीक है, इसके भी हम एमसीक्यूज के जरिए कवर करेंगे आपके क्रैश कोर्स में, ठीक है। आज से क्लासेस आपकी टॉपिक वाइज शुरू होने जा रही है, ठीक है, तो
तो ये सारे ही चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं लेटेस्ट एमसीक्यूज के जरिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 397 पोस्ट आपकी उत्तर प्रदेश में निकली है, एक सरकारी नौकरी आपको लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम चैप्टर 6 में क्या पढ़ेंगे, स्केल्स एंड कॉन्टेंटाइजेशन से पढ़ेंगे, ठीक है। रिजर्वेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज रहेगा वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में हम ड्रग प्रोबिंग पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए ये भी, ठीक है। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस देखेंगे, यहाँ से कुछ जितने भी एमसीक्यूज हम पिक कर सकते हैं, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, एनालाइज टीम है, ठीक है, जो कि हर एक राज्य को एनालाइज करती है आपके पेपर्स के लिए, ठीक है, वो हम सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में हम देखेंगे यहाँ पर होम्योपैथी पॉसोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यूज रहेगा, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक भी कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लेना, क्योंकि ये सारे ही सब सब्जेक्ट, हाँ हाँ बिल्कुल, सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा, हमारे जो खुद की इंस्टीट्यूट्स की बुक्स रहती हैं, ठीक है। देखिए हम आपको कम से कम 14 से 15 बुक्स का कलेक्शन हमारी इंस्टीट्यूट्स का हम आपको देते हैं ई बुक्स के जरिए, ठीक है, जिसमें आपकी पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, जितना भी, और ये जो जनरल स्टडीज आपका रहता है, जो आपका जीएस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये ऐसा जीएस हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ये आपका होम्योपैथ के साथ साथ अदर एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल रोल प्ले करता है, ठीक है जी। पहली बात तो ये है, होम्योपैथ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि होम्योपैथ की आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक है, और साथ में आपको टेस्ट मिलते हैं, एमसीक्यू सीरीज आपको अलग से मिलती है, ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और बाकी टॉपिक वाइज क्लासेस आपको अलग से मिलती है, ठीक है। और जीएस इतना वास्ट होता है कि इसकी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड नहीं करवाते, लेकिन इनका कलेक्शन हम आपको बुक्स का कलेक्शन देते हैं, जिसमें एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एमसीक्यूज का डिस्क्रिप्शन पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है, थ्योरी आपको अलग से मिल जाएगी, शॉर्ट नोट्स आपको अलग से मिल जाएगी, ठीक है। हमारी YouTube वीडियोस पे जाना, ठीक है, उसमें आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है, बुक्स से रिलेटेड, तो वो आप देख लेना कि किस तरह से हम आपको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। उसका पूरा का पूरा टेबल ऑफ कंटेंट हमने बताया है आपको कि क्या क्या बुक्स में हमने इंक्लूड किया है, ठीक है, यूट्यूब पे जाना, ठीक है, लेटेस्ट वीडियो देख लेना, दूसरे तीसरे नंबर की होगी, ठीक है, वो फिर आपको मिल जाएगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में हम स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रहता है, इस चीज को आप स्किप कर ही नहीं सकते अगर आप होम्योपैथ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 में कुछ हम लेजिस्लेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ में हम यहाँ पर क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12 में प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एंड एब्रीवेशन, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके होम्योपैथ के लिए, ठीक है। अगर ये 12 चैप्टर अगर आपने कर लिए और एमसीक्यूज के जरिए कर लिए, ठीक है, और कम से कम 5000 क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिलेगी आपके एग्जाम तक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और टेस्ट लगाने का मौका भी आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है, और ये सारे टेस्ट आप उन अभ्यर्थियों के साथ लगा रहे हैं जो ऑलरेडी यूपी SSSC होम्योपैथ के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए तो बढ़िया है कि एग्जाम से पहले आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट जो वो आगे चल रहे हैं, आप कहाँ पे चल रहे हैं, आप कितने नंबर पे चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फाइनल में आपको इन्हीं बच्चों के साथ फाइट करना है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे डिटेल ले लीजिए, ठीक है, और कोर्स ज्वाइन कर लेना। फार्मेसी का पूछ रहे हैं सर, टोटल 10 बुक है तो सब अलग अलग टीचर्स वर्क, देखिए ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है, देखिए जो हम फार्मेसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, वो बुक्स जो रहती हैं हम आपको प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, ठीक है, ये जो हमारी एक्सपर्ट टीम है ये आपको लाइव क्लासेस देंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे, और PDF के जरिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका जीएस का कलेक्शन रहता है उसकी हम आपको बुक्स देते हैं, ठीक है, क्योंकि होम्योपैथ के लिए हमारी अभी कोई भी बुक्स लॉन्च नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि ये अभी 4-5 महीने तक इसको लॉन्च होने में टाइम लगेगा, जो हमारी खुद की इंस्टीट्यूट की बुक होगी, ठीक है, होम्योपैथ के लिए। लेकिन आपको पता है कि जब भी बुक्स लॉन्च करते हैं तो उसके लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है, ठीक है, पब्लिकेशंस की जरूरत होती है, क्योंकि बुक्स ऐसे पब्लिश नहीं होती है, ठीक है, तो उसमें कम से कम 5 से 6 लाख का खर्च आता है बुक को पब्लिश करना, मार्केट करना, ठीक है, आपके नजदीकी एरिया में बुक्स को पहुंचाना, ठीक है, तो बहुत कॉस्टली जाता है वो चीज, ठीक है। अभी सिर्फ हमारी जीएस की बुक्स आई है, ठीक है, और ये अभी आपको मार्केट में नहीं मिल रही है, बल्कि आपको हमारे जरिए आपको प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे तो ये आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन बाकी जो ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए होम्योपैथ के, इनकी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, इनकी क्या मिलेंगी आपको लाइव क्लासेस, ठीक है, ये कोई अलग अलग बुक्स नहीं है, ये टॉपिक्स है आपके, जो मैं आपको टॉपिक्स यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स के जरिए जब आप एमसीक्यूज कवर करेंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है।
तो जो पहली बार लेट जुड़े हैं तो मैंने उन सभी को बता देता हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है। इस वीडियो में हमने टॉपिक्स देखे हैं आपके होम्योपैथ के लिए, ठीक है, जो कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। आपके टॉपिक वाइज क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है आज से, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज के जरिए, ठीक है। साथ में थ्योरी पोर्शन भी हम लेकर चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फिर कुछ भी आपका स्किप नहीं होगा, ठीक है। और टेस्ट भी आपको इसमें लगाने का पूरा पूरा मौका मिलेगा, ठीक है। तो फिर नेचुरली सी बात है कि आप कहीं ना कहीं अच्छे से प्रिपेयर आप हो सकते हैं फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी आपको घर पे रह के ही पढ़ना है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है। टेस्ट भी आपको घर पे रह के ही लगाने हैं, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो पूछिए, अभी चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि अगर आपको कोई भी सवाल है तो बेझिझक पूछिए आप मुझसे, ठीक है। क्योंकि आपके सवाल इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक मुझे पता नहीं लगेगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या आपके मन में डाउट है। क्योंकि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, सरकारी एग्जाम की जब भी बात होती है। तो देखिए, सरकारी नौकरी जो एक स्टेबल जॉब है, ठीक है, फीस कितना, देखिए फीस ज्यादा नहीं रहता है हमारा, ठीक है। 1500 रुपया फीस रहता है, ठीक है। कोई पर मंथ फीस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहता है, ठीक है। ये 1500 आपका एक साल के लिए वैलिड होता है कोर्स, ठीक है। एक साल के लिए वैलिड होता है ये, ठीक है। तो आप लगा लो कि महीने का कितना कितना आपका पैसा बनेगा, ठीक है, और दिन का कितना बनेगा, ठीक है। तो ज्यादा पैसा नहीं रहता है, सिर्फ 1500 रुपया साल का रहता है ये इसमें, ठीक है। एक साल तक आपका कोर्स वैलिड रहता है, और जो आपका एग्जाम है वो मार्च अप्रैल तक आपका पेपर भी हो जाएगा। हाँ, आपका दोनों भाषाओं में आपको क्लासेस मिलती है, क्योंकि देखिए हम प्योर हिंदी में कर देंगे ना तो आपको पता नहीं लगेगा फिर, ठीक है। सिंपल सी चीज है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इतने टिपिकल होते हैं कि स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता है। क्योंकि देखिए अभी हमारे पास दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं, एक हिंदी वाला भी आएगा, इंग्लिश वाला भी आएगा, जिसको इंग्लिश में अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को हिंदी में अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि प्योर हिंदी में करवाएं तो वो नहीं हो पाएगा कभी भी। इसलिए आपको दोनों ही भाषाओं में साथ साथ में एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि जो इंग्लिश वाला है इंग्लिश में पढ़ समझ सके, हिंदी वाला तो वो हिंदी में समझ सके, ठीक है। इससे क्या होता है कि दोनों ही कैटेगरीज जो है वो कवर हो जाती हैं, ठीक है जी। हाँ, व्हाट्सएप डाल दीजिए, ठीक है। नंबर आपको मैं एक बार फिर से कंफर्म करवा देता हूँ कि जो हमारा नंबर रहता है 8278723715, ठीक है, 15, 8278723715, ठीक है, ये हमारा नंबर है, ठीक है जी। इस पे व्हाट्सएप डाल दो, 8278723715, ठीक है, ये हमारा नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप डाल दो। और जितने भी ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको एमसीक्यूज के जरिए कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि कंपटीशन कम रहेगा। 1500, 1600 या फिर 2000 तक बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, कंपटीशन कुछ नहीं है, ठीक है। करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा फिर, ठीक है। चलिए,